गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर अब्दुल सत्तार खान एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर लेसन्स फ्यूचर टेंस ज़माने मुस्तकबिल एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर की वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स बिगिन। अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे आज। फ्यूचर टेंस क्या होता है पहले ये देख लेंगे। द फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एक्शंस डेट हैव नॉट येट अकर्ड और डेट विल अकर एट अ लेटर टाइम। यानी फ्यूचर टेंस में जो हालात वाक़यात जो मुस्तकबिल में होने वाले हैं, कुछ वक्त के बाद होने वाले हैं, तो उसका बयान होता है। फ्यूचर टेंस की कितनी किस्में हैं? चार किस्में हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये चार किस्में हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस इसके कैसे बनेंगे, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में शैल विल यूज़ करेंगे। आई शैल गो टू द मार्केट, वी शैल प्ले फुटबॉल, यू विल टर्न द टेबल ओवर, अरमान विल साइन अ बिग डील, एहसन विल चेंज द कंप्लीट डिटेल्स। अब इसको कैसे इस्तेमाल किया? आई शैल गो टू द मार्केट, यहाँ शैल का इस्तेमाल किया है, मैं मार्केट जाऊँगा, वी शैल प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलेंगे, यू विल टर्न द टेबल ओवर, आप बात को पलटा देंगे। अब देखिए टर्न द टेबल ओवर एक महावेरा है। अरमान विल साइन अ बिग डील, अरमान एक बड़ी डील साइन करेगा। एहसन विल चेंज द कंप्लीट डिटेल्स, एहसन मुकम्मल डिटेल्स चेंज कर देगा। सिंपल फ्यूचर टेंस का निगेटिव फॉर्म कैसा बनता है ये देखेंगे। वी यूज़ द फ्यूचर सिंपल इन द निगेटिव फॉर्म टू डिनाई प्रेडिक्शंस, यानी मुस्तकबिल में होने वाली बातों को डिनाई करने के लिए हम निगेटिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, या फिर बिलीव्स और इंटेंशंस अबाउट द फ्यूचर, जा जो फ्यूचर में होने वाले वाक़यात के इंटेंशंस है उसे भी इनकार करने के लिए कहते हैं। जैसे कि वी विल नॉट वर्क ऑन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट मंथ, हम अहम प्रोजेक्ट पर अगले महीने काम नहीं करेंगे। द सेंटेंस इज इन द फ्यूचर सिंपल निगेटिव, सो वी यूज़ विल नॉट फॉलोड बाय द बेस फॉर्म, यानी इसमें नॉट है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यानी विल और वर्क के बीच में नॉट इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसे एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें कैसा इस्तेमाल किया है? आई शैल नॉट गो टू द मार्केट, वी शैल नॉट प्ले फुटबॉल, यू विल नॉट टर्न द टेबल ओवर, अरमान विल नॉट साइन अ बिग डील नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक, एहसन विल नॉट चेंज द कंप्लीट डिटेल्स। तो शैल यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने उसे इस्तेमाल करना है। इसमें एक बात याद रखिए कि जो आई और वी है इसके साथ में हम अक्सर शैल ही इस्तेमाल करते हैं सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर टेंस में, और बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं चाहे वो नाउन रहो या पर्सनल प्रोनाउन के दूसरे वर्ड रहो उसके साथ हम विल यूज़ करते हैं, क्यों न्यू रूल्स में ये इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ओल्ड रूल्स में वो फिनाइट के अंदर यूज़ होते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज़ होगा? शैल विल यूज़ होगा। आई शैल बी रीडिंग बुक्स, वी शैल बी गोइंग अवे, यू विल बी कमिंग फ्रॉम मार्केट, ज़हीर विल बी प्लेइंग फुटबॉल, द कॉप विल बी रनिंग ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल किए हमने? आईएनजी फॉर्म के साथ बी इस्तेमाल किए हैं, शैल बी विल बी इस्तेमाल करते हैं। इसका मीनिंग कैसा बनेगा? आई शैल बी रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ूंगा, वी शैल बी गोइंग अवे, पढ़ रहा हूँगा, वी शैल बी गोइंग अवे, हम दूर जा रहे होंगे, यानी यहाँ पर किसी हरकत को फ्यूचर में जारी रहने की बात की जा रही है। यू विल बी कमिंग फ्रॉम द मार्केट, आप मार्केट से आ रहे होंगे, ज़हीर विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ज़हीर फुटबॉल खेल रहा होगा, द कॉप विल बी रनिंग ऑन द ग्राउंड, कॉप यानी जो पुलिसमैन है वो ग्राउंड पर दौड़ लगा रहा होगा। निगेटिव फॉर्म कैसा बनता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस निगेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है? फॉलोइंग स्ट्रक्चर क्या है उसका? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि वे हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब यानी मेन वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट यानी शैल, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस तरीके से बनेगा। यानी कि आपका नॉट पहले लगेगा बी और शैल के बीच में।
I shall not be reading books. We shall not be going away. You will not be coming from the market. Zahir will not be playing football. The cop will not be running on the ground. यानी इसमें predictions जो future में होने वाली उससे deny किया जा रहा है. चलिए next देखते हैं, future perfect tense affirmative sentence. इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आई शैल हैव रिटन एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर. वी शैल हैव रीच द क्लासरूम. यू विल हैव फिनिश्ड होमवर्क. दे विल हैव बुक द टिकट्स. नमिता विल हैव कॉन्टैक्टेड हर फ्रेंड. आई शैल हैव रिटन एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर. अब ये फ्यूचर में किसी बात के मुकम्मल होने की बात की जा रही है, काम के. जैसे कि आई शैल हैव रिटन, मैं लिख चुकी होंगी एन आर्टिकल, एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में. अभी हुआ नहीं है लेकिन ये फ्यूचर में भी होगा तो ये उसके लिए कंप्लीशन का वर्ड यूज़ हो रहा है. वी शैल हैव रीच द क्लासरूम, हम क्लासरूम में पहुंच चुके होंगे. यू विल हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, आप होमवर्क ख़त्म कर चुके होंगे. दे विल हैव बुक द टिकट्स, और वो उन्होंने टिकट्स बुक कर दिए होंगे. नमिता विल हैव कॉन्टैक्टेड हर फ्रेंड, नमिता ने अपने दोस्त से कांटेक्ट कर चुकी होंगी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव फॉर्म में कब यूज़ होता है? वो टू इंडिकेट अ कंटिन्यूअस एक्शन विल नॉट बी हैपनिंग इन द फ्यूचर. यानी इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसमें नेगेटिव फॉर्म कब आता है? जब कोई कंटिन्यूअस एक्शन फ्यूचर में हैपन नहीं होती. और उसका फार्मूला क्या है जिसमें आप क्या करते हैं, विल या शैल यूज़ करते हैं और नॉट यूज़ करते हैं उसके फौरी बाद, और बाद में हैव और उसके बाद मेन वर्ब, यानी चाहे वो डी या ई डी से ख़त्म होने वाला हो यानी थर्ड फॉर्म, उसे आप यूज़ करेंगे. चलिए एक देखते हैं एग्जांपल. आई विल नॉट हैव ईटन बाय देन. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव एग्जांपल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट. ये इसका फार्मूला है. आई शैल नॉट हैव रिटन एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर. अब यहाँ क्या कर दिए है, यहाँ पर डिनाई कर दिया है. आई शैल नॉट हैव रिटन, मैं नहीं लिख चुकी होंगी एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में आर्टिकल. वी शैल नॉट हैव रीच द क्लासरूम, हम क्लासरूम तक नहीं पहुँच चुके होंगे. यू विल नॉट हैव फिनिश्ड होमवर्क, आप होमवर्क ख़त्म नहीं कर चुके होंगे. दे विल नॉट हैव बुक द टिकट्स, वो टिकट्स बुक कर चुके नहीं होंगे. नमीरा विल नॉट हैव कॉन्टैक्टेड हर फ्रेंड, और नमीरा अपने दोस्तों से कॉन्टैक्ट नहीं कर चुकी होंगी. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में थोड़ा सा एक मुख्तसर से जान लेंगे. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ कंटिन्यूड और ऑन गोइंग एक्शन डैट विल कमेंस एट अ फिक्स टाइम और इन फ्यूचर एंड डैट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर. यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मुस्तकबिल में होने वाली एक ऐसी बात है जो एक तयशुदा वक्त पर ख़त शुरू होकर तयशुदा वक्त पर ख़त्म हो जाएगी. आप उसके बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं. देर विल ऑलवेज बी कंटिन्यूड टाइम रेफरेंस लाइक फॉर अ फ्यू डेज, फॉर 10 months, फॉर 2 years, सिंस वेडनेसडे, सिंस 2011, सिंस जनवरी. यानी इसमें कंटिन्यूस एक्शन की बात है, उसका रेफरेंस है, जिसमें जैसे कि कोई चीज़ आपकी किसी वक्फे में हो रही है, जैसे कुछ दिनों के लिए फॉर फ्यू डेज, फॉर 10 months यानी 10 महीनों के लिए, फॉर 2 years 2 सालों के लिए, सिंस वेनसडे यानी कि बुध के रोज़ से, सिंस 2011 2011 से, सिंस जनवरी जनवरी के महीने से. इफ़ देर इज़ नो टाइम रेफरेंस देन इट इज़ नॉट अ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अगर उसमें टाइम रेफरेंस नहीं रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं रहेगा. Without continued time reference, such sentences are future continuous tense. Continued time reference only differentiate between future continuous tense and future perfect continuous tense. इसमें सिर्फ एक ही फ़र्क होता है कि अगर आप टाइम लैप से टाइम डिफरेंस अगर उसके साथ में डालेंगे तभी वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा. चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव कैसा बनता है वो देखेंगे. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. आई शैल हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग. मैं सुबह से किताबें पढ़ चुकी रही होंगी. अभी इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, एक वक्फा भी दिया जा रहा है, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, और किसी एक्शन को
आपको कंटिन्यू में बयान भी किया जा रहा है। वी शैल हैव बीन गोइंग फॉर अ हॉलीडे, ही विल हैव बीन प्लेइंग वॉलीबॉल सिंस 9 o'clock, दे विल हैव बीन वर्किंग इन द वेस्ट कोस्ट सिंस 2025, समीर विल हैव बीन कॉलिंग हिज कजिन्स। तो इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। चलिए देखते हैं इसका नेगेटिव फॉर्म कैसे बनेगा। इसमें विल और शैल के फौरी बाद आपको नॉट यूज़ करना है, उसके बाद हैव बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद टाइम लैप्स का यानी सिंस टाइम रिमेनिंग वगैरह का इस्तेमाल करना है। अब इसमें कंटिन्यूस टेंस में नॉट जो है वो विल शैल और हैव के बीच में लगाया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नेगेटिव स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई शैल नॉट हैव बीन कुकिंग मील सिंस मॉर्निंग, वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, ही विल नॉट हैव बीन कॉलिंग हिज कजिन्स, शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर 2 years, अदनान विल नॉट हैव बीन पब्लिशिंग द आर्टिकल फॉर 2 weeks। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए और अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक